गाइस, वेलकम बैक टू साइंस विद पूजा भल्ला। तो टुडेज मेन्यू इज ग्रिल वेजिटेबल विद एन इटालियन ट्विस्ट। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए: 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 वाइट चॉप्ड अनियन, 1 ग्रीन बेल पेपर, 1 रेड बेल पेपर, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 कप ब्रोकली, इसको मैंने माइक्रो में बॉईल किया है 2 मिनट के लिए, 1 कप मिक्स वेजिटेबल, इसमें कैरेट, जुकनी एंड सेलरी है, 1 कप कॉर्न, 1 कप स्पिनच। ये स्पाइसेस है: 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ये मिक्स सीजनिंग है विदाउट सॉल्ट, एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। मेरे पास 1 कप मोजरेला चीज है, इसको मैं 1/2 कुकिंग में यूज करूंगी और 1/2 बेकिंग में यूज करूंगी। मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स है फॉर द व्हाइट सॉस: 1 कप ऑलमंड मिल्क लिया है मैंने, आप इसको नॉर्मल मिल्क में भी बना सकते हैं, 2 टेबल स्पून ऑल पर्पज फ्लोर, और इसके लिए स्पाइसेस जो जाएंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून इटालियन सीजनिंग, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है एंड 2 टेबल स्पून हमें बटर चाहिए उसको बनाने के लिए। सो मैंने अभी नॉन स्टिक पैन लिया और गैस को मीडियम पे ऑन किया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल हॉट हो चुका है, मैं इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करूंगी, उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। गार्लिक सौते हो गया, अब मैं इसमें अनियन ऐड करूंगी। सो अनियन सौते हो गया हमारा, अब मैं इसमें बेल पेपर ऐड करूंगी। दोनों चीजों को 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। इसमें 1 by 1 वेजिटेबल ऐड करेंगे और सॉटे करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें मिक्स वेजिटेबल डालूंगी और इसको सॉटे करेंगे 1 मिनट के लिए। सो वेजिटेबल हमारी सॉटे हो गई है, अब मैं इसमें ब्रोकली ऐड करूंगी। और इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, क्योंकि इसमें क्रंचीनेस का टेस्ट आएगा तो वो अच्छा लगेगा। मैं इसमें कॉर्न ऐड करूंगी और इनको मिक्स कर देंगे। इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कॉर्न और ब्रोकली हमारी बॉयल है। इसे ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करके अब स्पाइसेस को मिक्स करके और इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के कुक कर लेंगे। अभी मैं इस पर लिड से कवर कर रही हूँ और इसको 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। सो अभी हम वेजिटेबल देख लेते हैं, ये कुक हो चुकी है। अभी मैं इसमें सबसे लास्ट में स्पिनच ऐड करूंगी। स्पिनच लास्ट में ही ऐड करनी है कि जिससे स्पिनच में क्रंचीनेस रहे, सॉगी ना हो। स्पिनच ऐड करें, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, तो मिक्स कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे अच्छे से कि इसमें पानी ना हो बिल्कुल भी, पानी बिल्कुल सूख जाए इसका। सभी वेजिटेबल हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके और बस अब गैस हम ऑफ कर देंगे। अभी हमारे वेजिटेबल रेडी हो गया है, अब हम अपना व्हाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे इसके बाद। सो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक पैन लिया है, अब हम व्हाइट सॉस के प्रिपरेशन करेंगे। अब मैं सबसे पहले इसमें बटर ऐड करूंगी। सो अब ये बटर मेल्ट हो चुका है हमारा, अब मैं इसमें ऑल पर्पज फ्लोर ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके कि इसमें लम्स ना बने, और इसको रोस्ट करना है जब तक कि ये हल्का सा पिंक ना हो जाए। सो अभी ये ऑल पर्पज फ्लोर हमारा रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी और मिक्स करेंगे इसको। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, बट मिल्क आपको धीरे धीरे ऐड करना है कि जिससे इसमें लम्स ना बने। सो मैंने इसका फ्लेम जो है मीडियम पे सेट कर रखा है, अब वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। जब ये बॉयल होगा तो ये थिक हो जाएगा अपने आप ही। इसको बीच बीच में स्टेयर करते रहें जिससे पैन में नीचे लगे ना। व्हाइट सॉस हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। सो अभी हमारा व्हाइट सॉस एंड वेजी रेडी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे बेकिंग के लिए। सो सबसे पहले हम इसमें व्हाइट सॉस लेयर लगाएंगे। अभी हमें लेयर बाय लेयर लगाना है ये। अभी इसमें मैं व्हाइट सॉस की लेयर लगा चुकी हूँ, अब मैं इसमें वेजिटेबल फिल करूंगी। बिकॉज 1 by 1 लेयर लगाएंगे तो इसमें फ्लेवर्स अच्छे होंगे। थोड़ा थोड़ा मोज़रेला चीज़ आपने सारी लेयर्स पे स्प्रिंकल करना है,
जिससे कि अंदर से चीज़ी बनेगा। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर करके लगाते जाएंगे जब तक ये स्टफ हमारा इसमें पूरा फिल नहीं हो जाता बाउल में। अभी हमारी सारी लेयर्स इसमें मैंने लगा दी हैं, ऑलमोस्ट 3 वेजिटेबल लेयर्स एंड 3 क्रीम लेयर्स इसमें लगी हैं। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करूँगी फॉर बेकिंग। आपने इसको चारों तरफ से मोज़रेला चीज़ से कवर कर देना और ऊपर से फिर थोड़ा सा हम ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे इस पर। अभी मैं इसके ऊपर ऑरिगैनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बेक होने। सो आज मैं इसको एयर फ्रायर में बेक कर रही हूँ। इसको हम 300 फ़ारेनहाइट पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट होके ऊपर से थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। मैं इसको पिज़्ज़ा बेक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, 300 डिग्री पे इसको 15 मिनट के लिए मैं लगाऊँगी। Now our dish is ready. Hope you enjoy the recipe. See you next time.